सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम कक्षा 10th की व्याकरण में का एक टॉपिक जो है जिसका नाम है संधि, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। चलो आइए देखते हैं संधि जो शब्द है वो किससे बना। पहले इस चीज की जानकारी करते हैं कि संधि शब्द जो है वो किससे बना। संधि शब्द सम उपसर्ग प्लस धा धातु प्लस की प्रत्यय से मिलकर के बना है। तो मित्रों की का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा, ठीक है। तो संधि जो शब्द है वो सम उपसर्ग धा धातु और ई प्रत्यय से मिलकर के क्या बन गया अपना संधि, है ना। इसके बाद में अपन जानकारी करते हैं। अब ये तो होगी इसकी उत्पत्ति की बात, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द कैसे बना, है ना। अब इसके बाद में इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो संधि की परिभाषा है वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि, यानी कि वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब एक और जो परिभाषा है परह सनिकर्षह संहिता, परह सनिकर्षह संहिता, मतलब संधि को हम क्या कहते हैं, संहिता भी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति की हमने बात करी, उसके बाद में अपन ने यहाँ पर परिभाषा को भी देख लिया। अब इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, इसके भेदों के बाद देखिए। अब हम संधि के भेदों के बारे में जानकारी करते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं, कौन कौन सा, स्वर संधि, ठीक है मित्रों, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है मित्रों। इनको स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि, और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि। अब सर्वप्रथम अपन क्या जानकारी करेंगे, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है, तो स्वर संधि होती है दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है मित्रों। अब स्वर संधि के भेदों के बारे में हम जानकारी करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। अपने सिलेबस में स्वर संधि सात भेद बताए गए हैं, कौन कौन से हैं मित्रों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि और पररूप संधि। ये हमारे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि और पररूप संधि। अब सबसे पहले अपन इनके भेदों में कौन सी संधि के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले अपन दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कौन संधि है अपनी, दीर्घ संधि, ठीक है ना मित्रों। दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है, अक आ ई उ री ली के आगे सवर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। आ ई उ री ली के आगे सवर्ण स्वर रहने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, कैसे मित्रों, अब अपन उसके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे अ प्लस अ बराबर बड़ा, अ प्लस आ बराबर बड़ा, ठीक है, आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, आ प्लस आ बराबर बड़ा, यानी कि अ के बाद में अ आ जाए तो भी अ आ होगा और अ के बाद में आ जाए तो भी
ऋणी बराबर बड़ारी है, छोटा ऋणी प्लस बड़ारी बराबर बड़ारी, ठीक है। ऋ छोटा ही रहता है, रस ही रहता है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए ऋ प्लस ऋ बराबर ऋणी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके अपन उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे ले उदाहरण देख लेते हैं अपन। सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं, तो देखिए हिमधन आले, हिमधन आले, और हिमधमा आले का क्या बनेगा? हिमालय। हिमधमाले का क्या बनेगा? हिमालय। हिमालय, ठीक है ना मित्रों। अब देखिए कैसे बना हिमालय, ये अपन जानकारी कर लेते हैं एक बार। देखिए इस मामले में क्या है अ और यहां क्या है बड़ा, तो अ और आ करके क्या बन गया, अ और आ लेकर के क्या बन गया बड़ा, तो क्या बन गया अपना हिमालय, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं विद्यालय, विद्यालय विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा ये अपन करते हैं। देखिए विद्याधन आले, विद्याधन आले, ठीक है ना बच्चों, इन समझ में आ गया होगा। आ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे बड़ा, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने विद्यालय, ठीक है ना। ऐसे ही देखो देवालय, 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 देवालय किसका बनेगा देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देखो देखो अब इसमें क्या आ रहा है, देव में ब में क्या आ रहा है आ, आ में क्या आ रहा है आ, तो इसका क्या बन जाएगा देवालय, ठीक है ना। आ और आ में करके बड़ा आ बना देंगे देवालय। और देखिए मुरारी, 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 तो मुरारी का क्या बनेगा मुर धन अर। अब बताइए इसमें क्या है र में क्या है अ, म में क्या है अ, र में क्या है आ, तो अ और अ और अ मिलकर क्या बना देंगे बड़ा, तो क्या बन गया बुरा। एक और देख लीजिए मित्रों, दे त्यारी, क्या देख लीजिए दे त्यारी, दे त्यारी, ठीक है ना मित्रों। तो इसका क्या बनेगा दैत्य धन धन अरि, दैत्य धन अरि। देखिए मित्रों आ और आ मिलकर के भी बड़ा है, ये अपने कौन से संधि का उदाहरण हो गया दीर्घ संधि का। आ प्लस आ का उदाहरण कौन सा है हिमालय, विद्यालय, देवालय, मुरारी और दैत्यारी। अब इसके बाद में अपन आगे के ई वाले उदाहरण एक बार देख लेते हैं मित्रों। देखिए मित्रों इसके बाद में अपन ने ई और ई प्लस बड़ी ई किया था, छोटी ई प्लस बड़ी बड़ा बड़ी ई का उदाहरण है भूमि धन ई सह, तो इसका क्या बन जाएगा भूमि सह। श्री प्लस ई सह, तो इसका क्या बन जाएगा श्री सह। हरी
प्लस ई सहा, इसका क्या बन जाएगा हरी सहा। कवि धन इंद्र, इसका क्या बन जाएगा कविंद्र। अति प्लस इदम बराबर अतिदम, यानी कि देखिए मित्रों छोटी ई और बड़ी ई बराबर क्या बना दिया बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई प्लस बड़ी बराबर क्या बन गया बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी बराबर क्या बन गया बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी बराबर क्या बन गया बड़ी ई, मतलब ई और ई मिलकर के छोटी ई प्लस छोटी ई हो चाहे